हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र में हम तीन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आज की क्लास में हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में आपने कई तरह के ऊतकों का अध्ययन किया, सिंपल टिश्यूज़ यानी सरल ऊतक और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक। सिंपल टिश्यूज़ में आपने मृद ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और द्रवण ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा को स्टडी किया। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में आपने अलग अलग तरह के कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले जो ऊतक होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहलाते हैं, लेकिन वो एक ही कार्य को पूरा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जाइलम एंड फ्लोएम को आपने पिछली क्लासेस में स्टडी किया। तो जाइलम, फ्लोएम या सरल ऊतक, ये सब ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये ऊतक दूसरे ऊतकों के साथ मिलकर के एक पूरा सिस्टम बनाते हैं और किसी एक कार्य को पूर्ण करते हैं। तो ऊतक तंत्र क्या है? इट्स ए कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज नोन एज अ टिश्यू सिस्टम। यानी ऊतकों का समूह जो किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, उसे ऊतक तंत्र या टिश्यू सिस्टम कहते हैं। हायर प्लांट्स में बहुत से तरह के टिश्यूज़ होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन उनका जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्स, उन्होंने 1875 में थ्री मेजर टाइप के टिश्यू सिस्टम्स बताए, जिसमें उसको उन्होंने पोजीशन के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर उसको उन्होंने डिवाइड किया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। स्थिति के आधार पर सेक्स ने तीन पार्ट में डिवाइड किया टिश्यू सिस्टम को। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम आज स्टडी करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी बाह्य त्वचीय, सबसे बाहर की जो सरफेस किसी भी पादप अंग की बनती है, जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सबसे बाह्यतम जो संरचना होती है, जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहती है, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत वो संरचनाएं आती हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे एपिडर्मिस या पेरिडर्म, क्यूटिकल, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर्स को। यहाँ पे देखिए, डायग्राम से हमने दिखाए हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये जगह होती स्ट्रक्चर होता है, बीच बीच में इसमें रंध्र पाए जाते हैं। सेकंड है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स, ब्रांच ट्राइकोम्स एंड लास्ट वन इज राइजोडर्मल हेयर्स जो कहलाते हैं, जो रूट्स पर पाए जाते हैं यानी रूट हेयर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ स्ट्रक्चर। एपिडर्मिस सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कुछ फैमिलीज में, फॉर एग्जांपल एपोसाइनेसी, मोरेसी, बिग्नोसी, चिनोपोडियसी, इनमें जो एपिडर्मिस होती है वो मल्टी लेयर भी होती है। एपिडर्मिस थिन लेयर्ड, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, एक दूसरे से सटी हुई कोशिकाएं होती हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। यानी जो एपिडर्मिस होती है वो एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, लेकिन बीच बीच में इसमें छिद्र के समान संरचनाएं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा, ये देखिए इस डायग्राम में आप देखिए एपिडर्मल सेल्स दिखाई गई हैं जो चपटी हैं, थिन वॉल्ड हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें एब्सेंट होते हैं, बहुत क्लियर इनमें स्पष्ट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पेरिडर्म या बाघ छाल। सबसे मोटे मोटे तनों पर अक्सर आपने ट्रीज में देखा होगा छाल, एक ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है। निर्जीव कोशिकाएं होती हैं, दृढ़ ऊतक से बनी हुई कोशिकाएं होती हैं, तो ये दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। लेकिन
ये एपिडर्मिस को रिप्लेस करके बनती है, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बन रही होती हैं। ये मोनोकोट में एब्सेंट होती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म और डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण इनका निर्माण होता है। पेरिडर्म मल्टीलेयर स्ट्रक्चर है जिसमें फैलम, फैलोडर्म एंड फैलोजन रीजन्स होते हैं। कॉर्क सेल्स आर नॉन लिविंग सेल्स दैट कवर्स आउटसाइड ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये सबसे बाहर की तरफ पाई जाती हैं, आउटर सरफेस पर, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं उसको एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से, यानी तेज़ हवा है या कोई कीट का इन्फेक्शन है या कोई पैथोजन का इन्फेक्शन है, उससे प्रोटेक्ट करती हैं। द पेरिडर्म प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम पैथोजन इंजरी, प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर लॉस, यानी इवेपोरेट वाटर को कम से कम होने देती हैं, और इंसुलेट द प्लांट, प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। क्यूटिकल, क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाने वाला एक वैक्सी स्ट्रक्चर, वो लेयर होती है, वैक्स मोम के समान इसमें से एपिडर्मिस से एक सिक्रीशन होता है क्यूटीन का। ये क्यूटीन के निक्षेपण से बनती है और इस पर एक लेयर सी एपिडर्मिस के ऊपर बन जाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। द एपिडर्मल सेल सिक्रीट्स ए वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन विच फॉर्म्स ए लेयर ऑफ वेरिएबल थिकनेस, यानी जो थिकनेस होती हैं ये अलग अलग होती हैं। मोस्टली जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्यूटिकल बहुत थिक होती है, जिससे कि स्टोमेटा अंदर की तरफ धस जाते हैं और कम से कम वाटर लॉस उन प्लांट्स में होता है, क्योंकि वो ड्राई रीजन या जीरोफिटिक या मरुस्थलीय पादप होते हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। यूजुअली द क्यूटिकल इज कवर्ड विद वैक्स विच मे बी डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, रोड्स, क्रस्ट एंड विस्कस सेमी लिक्विड मासेस। तो क्यूटिकल के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस जमा हो जाता है जो अलग अलग फॉर्म में डिपॉजिटेड रहता है। पोएसी और साइप्रेसी फैमिली की जो एपिडर्मिस होती है उनमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं, लॉन्ग सेल्स एंड शॉर्ट सेल्स। और जो छोटी कोशिकाएं होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, जिन्हें कॉर्क सेल और सिलिका सेल कहते हैं। ये दोनों ही सेल साथ साथ भी पाई जा सकती हैं। कॉर्क जो सेल्स होती हैं उनमें सुबेरीन होता है और सिलिका जो सेल्स होती हैं उनकी कोशिका भित्ति में सिलिका का डिपोजिशन होता है। एपिडर्मिस जो होती है वो बाह्य वातावरण से या मैकेनिकल जो स्ट्रेसेस होते हैं उनसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है, ट्रांसपिरेशन रेट को कम करती है, और उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो ये स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लोअर और अपर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली लीफ पर। डाइकोट में जो स्टोमेटा होते हैं उसमें गार्ड सेल्स, स्टोमेटा के आसपास दो रक्षक कोशिकाएं होती हैं डाइकोट और मोनोकोट दोनों में, लेकिन इन दोनों में इसकी संरचना अलग होती है। डाइकोट में जो गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिकाएं होती हैं वो किडनी शेप्ड होती हैं, जबकि मोनोकोट में डंबल शेप्ड होती हैं, मींस सिरे उनके फूले हुए होते हैं और बीच में से थोड़े सा नैरो पोर्शन होता है। स्टोमेटा रूट्स में एब्सेंट होते हैं, और जीरोफिटिक प्लांट्स में स्टोमेटा संकन स्टोमेटाज होते हैं, क्योंकि उन पे क्यूटिकल बहुत थिक हो जाती है जिससे वो अंदर की तरफ धस जाते हैं और ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देते हैं। मोस्टली ये जीरोफिटिक प्लांट में संकन स्टोमेटा या धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव थिकनिंग्स ऑफ क्यूटिकल। स्टोमेटा के नीचे एक लार्ज कैविटी होती है जिसे सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। गार्ड सेल्स कुछ सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स से आसपास से घिरी हुई रहती हैं, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स ही होती हैं, लेकिन मॉडिफाइड पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। सब्सिडरी सेल्स के आसपास मृद्वकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। मोनोकोट्स में डंबल शेप, जैसे मैंने आपको बताया गार्ड सेल्स डंबल शेप होती हैं, स्टोमेटा स्कैटर्ड होते हैं डाइकोट्स में, और मोनोकोट्स में ये अरेंज होते हैं रोज में। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा इन डाइकोट एंड मोनोकोट। फर्स्ट डायग्राम जो है उसमें आप देखिए
अपर्चर आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, एक रंध दिखाई दे रहा है जिसके आसपास दो गार्ड सेल्स हैं, दोनों तरफ दो गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स किडनी शेप हैं डाइकॉट में और दूसरे डायग्राम में डंबल शेप्ड हैं। गार्ड सेल्स के आसपास सब्सिडरी सेल या एसेसरी सेल्स होती हैं और उनके बाहर की तरफ एपिडर्मल सेल्स पाई जाती हैं जो कि मृद ऊतकीय होती हैं। गार्ड सेल्स स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में भी हेल्प करती हैं क्योंकि गार्ड सेल्स का कनेक्शन वैस्कुलर टिश्यूज से होता है। सब्सिडरी सेल्स ये थ्रू एंड थ्रू ये पूरा एक चैनल बना लेती हैं और जो वाटर होता है जब जाइलम के थ्रू पानी ऊपर आता है तो ये एपिडर्मल सेल्स से होता हुआ सब्सिडरी सेल्स से होता हुआ गार्ड सेल तक पहुंच जाता है और गार्ड सेल्स में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये फुल्ली टर्जिड हो जाती हैं और टर्जिड होने के वजह से इनकी जो गार्ड सेल्स की बाहरी जो सब्सिडरी सेल की तरफ वाली वॉल होती है वो थिन होती है, वो स्ट्रेच हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स इन द गार्ड सेल्स। तो ये स्ट्रेच जब होती हैं तो ये अपर्चर को खोल देती हैं और रंध्र खुल जाते हैं और जब यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है इवेपोरेट हो जाता है तो ये वापस से सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। तो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग या फिजियोलॉजी में इसको आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है ट्राइकोम्स। जो एपिडर्मल आउटग्रोथ्स होती हैं ट्राइकोम्स, पिछली क्लास में मैंने आपको ट्राइकोम्स के बारे में बताया, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं, आपने स्टिंगिंग हेयर्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा आपने अब आप रूट हेयर्स पढ़ेंगे। तो ये एपिडर्मल आउटग्रोथ्स हैं ट्राइकोम, जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। स्टिंगिंग जो हेयर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये जब कोई भी हर्बीवोरस इसके ग्रेजिंग एनिमल जब इनके कांटेक्ट में आता है, इन प्लांट्स को खाने के लिए पास में आता है तो ये स्टिंगिंग हेयर्स जिन प्लांट्स पर पाए जाते हैं ये इसमें एक स्पाइन के समान संरचना होती है इस हेयर में और ये वहाँ पे उससे टच जब भी होता है प्लांट में तो उसके अंदर जा कर के ये स्पाइन उसमें एंटर करता है या धंस जाता है, उसके टच होने पर ही इस पर केमिकल का सिक्रीशन कर देते हैं, सिक्रीट कर देते हैं कोई केमिकल जिससे इरिटेशन होती है। तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो इन प्लांट्स के करीब नहीं आते हैं। तो ये एपिडर्मल जो आउटग्रोथ्स हैं ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, सिक्रीशन का काम करती हैं। रूट हेयर्स जो कि राइजोडर्म यानी मूलीय जो त्वचा होती है उस पर पाए जाते हैं और ये रूट का एरिया बढ़ा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये एपिडर्मल आउटग्रोथ्स होते हैं जो कि रूट्स पर पाई जाती हैं। फंक्शन ऑफ डर्मल टिश्यूज़, इनके कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहले जैसे हमने बताया कि एपिडर्मिस पर क्यूटिकल होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को लॉस होने से, वाटर लॉस होने से इसको प्रोटेक्ट करती है क्योंकि इस पर क्यूटिकल जमा हो जाती है जो वाटर के लिए अपारगम्य होता है और कम से कम वाटर का लॉस होता है और रंध्र जो होते हैं वो ज़्यादा थिकनिंग के कारण अंदर की तरफ धस भी जाते हैं। इसके अलावा इसमें स्टोमेटा होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के थ्रू होता है। रूट हेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ा देते हैं रूट्स का जिससे कि वाटर एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम कर सकती है रूट। ट्राइकोम्स प्रोटेक्शन में सहायक होते हैं और इसमें डिफेंड करते हैं अपने आप को किसी भी हर्बीवोरस या ग्रेजिंग एनिमल्स से। तो दीज आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने आज की क्लास में स्टडी किया है। अगली क्लास में हम दूसरे टिश्यू सिस्टम लाइक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को स्टडी करेंगे। थैंक यू।